हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ हो, व्यस्त हो, मस्त हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना के बाद ही मैं अपने रीडिंग शुरू करती हूँ अपने दोनों यूट्यूब चैनल्स पर। ये मैत्री टैरोट रीडिंग और दूसरा स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, दोनों चैनल्स में मैं इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करती हूँ। आज देखते हैं कि क्या आशीर्वाद आता है डिवाइन का, क्योंकि आज कार्ड बहुत निकल रहे हैं। मालूम नहीं क्या बात है, लेकिन डेक हाथ से छूट रहा है। देखिए कैसे रीडिंग आती है। पहला कार्ड सन का, मेरे सामने आ गए हैं और अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड सन का था। सन का कार्ड ये बता रहा है कि आपका समय गुड टाइम लाइफ का शुरू हो चुका है, और बाकी कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपने इस समय का खूब इंतज़ार किया, आपने वेट किया इसका, और इस समय को लाने के लिए, क्योंकि पहला कार्ड आपके प्रेजेंट को बता रहा है। अब मैं थोड़ा आपका थोड़ा सा पीछे का अतीत बताती हूँ, ज़्यादा नहीं तो ये समझ लीजिए कि एक डेढ़ साल पीछे का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। पिछले 2 साल में जो आपने झेला है मैं वो थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि आपने ये समय लाने के लिए कुछ लोगों के आगे हाथ पैर भी जोड़े हैं, उनकी मिन्नतें की हैं कि हेल्प मी, और आप उनके पीछे पीछे भी गए हैं। मतलब कहने का ये है कि आपने इस समय को अपनी लाइफ में लाने के लिए खूब यत्न किया है, खूब प्रयत्न किया है और खूब प्रयास किए हैं, सच्चे दिल से किए हैं, सच्चे मायने में किए हैं। और जैसे होता है ना कि कोई बड़े भारी मन से काम करता है कि नहीं मुझे तुझे काम करना ही है, मेरे को ऐसा अपने लाइफ में समय लाना ही है, कुछ इस तरह की भावनाओं के साथ आपने दृढ़ संकल्प के साथ साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाते हुए, जहाँ हाथ जोड़ने की बात थी आपने वहाँ हाथ जोड़े, जहाँ आँख दिखाने की बात थी वहाँ आपने आँख भी दिखाई, जहाँ किसी को लेटडाउन करने की बात थी आपने लेटडाउन भी किया, साम दाम दंड भेद अपने सारी नीतियों को अपना करके ये समय सुखद गुड टाइम अपनी लाइफ में आप लेकर आए। और अगर आपने साम दाम दंड भेद अपनाया भी है तो कोई गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है कि जैसा व्यक्ति आपको टकराया आपने उसके साथ वैसा व्यवहार किया, आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन इतना आप जूझ चुके थे, इतना मतलब लोगों ने आपको फ्रस्ट्रेट कर दिया था, इतना फ्रस्ट्रेशन में आप आ गए थे कि उसके बाद आपने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है और 100% करना है और अपना इसमें 1000% देना है, और इसके लिए मुझे गलत रास्ता तो नहीं अपनाना, लेकिन जो जैसा मिलसंत व्यवहार करेगा मैं उसको वैसा ही जवाब दूंगा या दूंगी। इसमें मेल फीमेल का कोई मतलब नहीं है, कोई भी हो सकता है।
तो जब आपने ऐसी स्थिति अपने मन में ठान ली कि मुझे अब ऐसा करना है और मुझे इस कार्य को सफल बनाना है और अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से एक सुंदर जीवन जीना है, तो आपने वो सब किया। लेकिन किसी का अहित नहीं किया आपने, किसी को ऐसी चोट नहीं पहुंचाई जो उसका जीवन बर्बाद कर दे। हाँ, लेकिन आपने उसको ये बता दिया कि तुम्हारी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये बताना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो जैसा व्यक्ति था आपने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया। और पिछले 5-6 महीने से आपको बिल्कुल साफ विजन दिख रहा था कि मैं सफल हो चुका हूँ। अब आप उस सफलता का स्वाद चखने का इंतजार कर रहे थे। तीसरा कार्ड यही बता रहा है आपके इंतजार, आप वेट कर रहे थे कि बस वो क्षण आ जाए। बात तो आपको पता चल चुकी थी कि बन चुकी है, वो लाइफ में मेरी वो बस एक क्षण आ जाए, वो मोमेंट आ जाए। आप उसी का इंतजार कर रहे थे जो आ गया है, हैं? पहला कार्ड ये बता रहा है कि वो आपकी लाइफ में आ चुका है, इंतज़ार आपका ख़त्म हो चुका है। और उसके लिए आपने अभी थोड़े दिन पहले कुछ कहीं की जर्नी भी की होगी, ट्रैवल किया होगा, ज़्यादा दूर का नहीं, और वो ट्रैवल आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहा होगा, ताकि आप जिस काम में अटके हुए थे, ये काम प्रोफेशनल भी हो सकता है, सर्विस का भी हो सकता है, हेल्थ इशू भी हो सकता है, और आपकी फैमिली में भी कोई इशू हो सकता है। क्योंकि मैं किसी एक चीज़ के ऊपर रीडिंग नहीं करती हूँ, और नो कॉन्टैक्ट और थर्ड पार्टी वाली रीडिंग्स तो मैं करती ही नहीं, क्योंकि अगर मुझे पर्सनली कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजते हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विघ्नो कह देती हूँ कि मैं वो करती ही नहीं हूँ। तो आप जो आपने यात्रा की, वो यात्रा आपकी बड़ी सफल रही, बड़ी सक्सेसफुल रही। छोटी थी, बहुत ज़्यादा आपने लंबा ट्रैवल नहीं किया, शॉर्ट ट्रैवल था, जैसे सुबह गए शाम आ गए, लेकिन वो आपके लिए बड़ी भारी खुशी उसी दिन लेकर आ गया था। और आपको ये समझ आ गया था कि मैं अपना काम कर चुका हूँ और अब सिवाय वेट के, इंतज़ार के, और कोई काम बाकी शेष नहीं है। आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ आ गई थी, हैं? इसके बाद आप जो ये काम करने वाले हैं, जिस चीज़ के लिए आपने मैनिफेस्ट किया, आपने ध्यान किया, पूजा की, पाठ की, जो जिसने उपाय बताया वो भी आपने किया, और जैसा व्यवहार किसी ने किया वैसा आपने जवाब दिया, तो इस दौरान आपने अपनी एक टीम भी बनाई। आप एक टीम वर्क के साथ काम कर रहे थे, और वो जो टीम थी आपकी, वो तो अब आपका समझ लीजिए कि पर्सनल असेट है, कभी उनको छोड़िएगा नहीं, वो आपका पर्सनल असेट है आपका, और उसको आप अपने साथ ही रखिए। वो बड़े प्यारे लोग हैं आपकी टीम में, और आपके बड़े वेल विशर्स हैं, और आप भी उनके वेल विशर हैं, वो भी हैं आप भी। इसके अलावा इंतजार भी आपका ख़त्म हो चुका, यात्रा भी ख़त्म हो चुकी, टीम भी बन गई, और अब आगे क्या, अब क्या, अब ये कि आप जो हैं बॉस, किंग या क्वीन, उस स्थिति में आ चुके हैं और बड़े प्रसन्न हैं, और हर काम बड़े शांत दिमाग से, बड़ी प्रसन्नता के साथ, एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर आप काम करते हैं, और आपको क्वाइंस भी आने शुरू हो गए हैं, आपको धन लाभ होना भी शुरू हो गया है, क्योंकि आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं, क्योंकि सन का कार्ड है और आप
दोनों बाहें फैला करके इस संसार में अपना कार्य करेंगे और बड़ी अच्छी आप प्रोग्रेस करने वाले हैं। अब आप देखिएगा कि आने वाले 1 साल से 2 साल के भीतर आप क्या थे और क्या हो जाएंगे, आपको खुद को भी नहीं अभी पता। और आपकी ये प्रोग्रेस देख करके लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। मैं इससे आगे वाले कार्ड की रीडिंग लूँ, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि मेरा जो स्पिरिचुअल चैनल है, आध्यात्मिक चैनल है, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, ये तो मैत्री टैरोट रीडिंग है, वो स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री है। तो आप मेरे उस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि भ्रम की स्थिति लोगों की दूर हो सके, किसी को राह मिल सके, किसी को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको क्लैरिटी मिल सके। मैं तो वीडियो ही अपलोड कर सकती हूँ, बाकी सहयोग तो आप ही को देना है। और आप मेरी वाणी को जितना चाहेंगे उतनी दूर तक जाएगी, जितना आप उसको सब्सक्राइब करेंगे वो उतनी दूर तक जाएगी। तो मेरी आपसे करबद्ध विनती है कि प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और उसका बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरिओ नारायण हरी। और अब अगला कार्ड ये कह रहा है कि ये जो अब समय है, जो आपका गुड टाइम शुरू हुआ है, अब इस दौरान आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो फिर आप एक तरफ झुक जाएंगे और आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, और जो आपका गुड टाइम शुरू हुआ है वो फिर आपको परेशानी देगा, क्योंकि ईश्वर इस समय आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड है, ईश्वर आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं ताकि आप एक ताकत के साथ, एक शक्ति के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य को फुलफिल करें, आप अपने मकसद को फुलफिल करें। बस अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा और अपने दिमाग से काम लीजिएगा, अपनी विजडम का इस्तेमाल कीजिएगा, और क्योंकि आपके साथ जस्टिस हो गया है और आप उस जस्टिस को अच्छे से इस्तेमाल करें। जो आपके साथ न्याय हुआ है आप अच्छे से उस न्याय का इस्तेमाल करें, आप भी दूसरों के साथ न्याय करें। कहीं जब भी आप एक हफ्ते में या कुछ दिनों के बाद अपनी असेसमेंट जरूर करें कि क्या मैं सही राह पर हूँ, कोई मैं गलत कार्य तो नहीं कर रहा हूँ, या मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई है, या मैंने किसी को कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया है। क्योंकि आपके साथ न्याय एक बड़े संघर्ष के बाद हुआ है, आपने संघर्ष किया है, और जब जस्टिस अब आपके साथ हो गया है तो आप भी किसी के साथ न्याय ना करिएगा, सबके साथ जस्टिस ही करिएगा। तो आज की मेरी रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, जाने दीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण।